बाबर जो कि अफगान काबुल से भारत के अंदर आया था और तैमूर और चंगेज खान के वंशजों में से एक था, इसीलिए उन्होंने उनकी कब्र को वहां से चेंज करके यहां बनवा दिया। लेकिन यही मतभेद बना इब्राहिम लोधी की मौत का कारण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं अपनी टीम मेंबर के साथ में आ चुका हूं एक बार फिर से अपने इतिहास के पन्नों को खंगालने के लिए। दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं एक ऐसे स्थान पर जो तकरीबन 495 साल पुराने इतिहास को आज आप लोगों के सामने लेकर आएगा। हम आज आ पहुंचे हैं हरियाणा के पानीपत में और यहाँ पर हम लोगों को लोधी डायनेस्टी के तीसरे और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी की मिली है कब्र। और इस कब्र के साथ में इतनी सारी बातें जुड़ी हुई हैं जो जानकर आप लोग भी अचंभित हो जाएंगे और अपने इतिहास को सुनना पसंद करेंगे। आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में सबसे पहले आ सके। मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वेदांश रॉय 3393 मेरी आईडी है। और दोस्तों चलिए हम करते हैं अपनी आज की वाली वीडियो शुरू। आप मेरे पीछे यहाँ पर काफी प्राचीन समय की ईंटों का बना हुआ एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। यदि हम इस स्ट्रक्चर को बारीकी से समझने की कोशिश करें तो हम उस इतिहास में चले जाएंगे जिस समय हमारे भारत के अंदर लोधी डायनेस्टी अपना शासन कर रही थी और 1517 के समय में इब्राहिम लोधी, जो कि बहलोल लोधी का पोता था और सिकंदर लोधी का बेटा था, जो राजगद्दी पर बैठ चुका था। जब हम थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ईंटें दिखाई दे रही हैं और इन ईंटों की एक खासियत ये है कि ये सारी के सारी ईंटें काफ़ी ज़्यादा पतली हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो वर्तमान में जो ईंटें प्रयोग होती हैं, जिसको ब्रिटिश कालीन शुरुआती ईंटें कहा जाता है, उनसे तो बहुत पतली ईंटें हैं और इन्हें कहा जाता है लाखोरी ईंटें। इसी लाखोरी ईंटों की मदद से इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस मकबरे को यहाँ बनवाया गया है और इसके बीच में काफ़ी मजबूती का मसाला इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर हम जो पूरा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसको 1866 के समय में अंग्रेज़ों ने यहाँ बनवाया था। अभी हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, गर्मी ज़्यादा है, पैर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। और यदि मैं आप लोगों को इस कब्र के बाहरी हिस्से को दिखाऊं तो आप लोगों को देखकर काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरे का पूरा ये जो फर्श बना हुआ है, यहाँ पर एकमात्र बीच में कब्र आप लोगों को दिखाई दे रही है। दोस्तों ये है वो कब्र जो लोधी डायनेस्टी के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी की है। 1517 के समय में जब इब्राहिम लोधी सत्ता में बैठे तो उनके भाई जलाल खान, उनको जौनपुर का एरिया दे दिया गया, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत के शासक बनना चाहते थे, लेकिन बने कौन? इब्राहिम लोधी। तो उसी समय से जौनपुर के शासक जलाल खान और इब्राहिम लोधी के बीच में मतभेद शुरू हो गया और उसी के बाद में राणा सांगा, जो कि मेवाड़ के शासक थे, उनका भी आपसी मतभेद था इब्राहिम लोधी के साथ में। और अब 1518 के समय में इब्राहिम लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर ना तो सांगा जी जीते और ना ही इब्राहिम लोधी जीते। लेकिन मेवाड़ के शासक सांगा जी को एक बात पता लग गई थी कि अब मैं अकेला इब्राहिम लोधी की इतनी बड़ी सेना को नहीं हरा सकता हूँ, जिसके लिए उन्होंने अफगान के एक जाने माने शासक बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए आमंत्रण भेजा और कहा कि जब आप यहाँ पर आएंगे लड़ाई करने के लिए तो मैं, यानी कि मेवाड़ का शासक राणा सांगा, आपका साथ दूंगा इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। अब हम थोड़ा और इन चीज़ों को बारीकी से देखते हैं, इतिहास को बाद में और समझेंगे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में काफ़ी
लाखों ईंटों का प्रयोग किया गया है, जिसके बाद ये कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर यहाँ तैयार किया गया, बनाया गया है। देखिए कितने सिंपल कब्र यहाँ बनी हुई है एक शासक की। ये एक रेक्टेंगल फॉर्म में है, ऊपर एक नॉर्मल सा ये बनाया गया है। और इसी के साथ में यदि हम अपनी नज़रों को इस तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक दीवार में एक वाइट रंग का संगमरमर का पत्थर दिखाई देगा, उस पे कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे क्या लिखा है यहाँ पर। और तकरीबन 21 अप्रैल 1526 को जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ तो मात्र 6 घंटे के अंदर बाबर की 20,000 की सेना ने 5 गुना इब्राहिम लोधी की सेना को इतने बुरे तरीके से हस्तपस्त कर दिया था कि वहाँ पर इब्राहिम लोधी और ग्वालियर के शासक विक्रमजीत दोनों की मृत्यु हो गई उस युद्ध के अंदर। और पंजाब के सूबेदार दौलत खां, जो इब्राहिम लोधी की ही सेना में शामिल थे, लेकिन किसी कारण से इब्राहिम लोधी का साथ ना देकर लड़ाई में उन्होंने भी साथ दिया बाबर का, और यही सबसे बड़ा कारण बनता है इब्राहिम लोधी की हार का। लेकिन ये वो स्थान नहीं है जहां पर वो लड़ाई हुई, जहां पर इब्राहिम लोधी मारे गए। पास में ही NH1 निकलता है, वहां पर रियल में लड़ाई जो हुई थी वहां वो मारे गए थे। और 1866 के समय में अंग्रेजों के लिए इब्राहिम लोधी की कब्र NH1 के रास्ते पर अवरोध पैदा कर रही थी, इसीलिए उन्होंने उनकी कब्र को वहां से चेंज करके यहां बनवा दिया और विक्रमजीत की समाधि को उन्होंने वहीं तोड़ दिया, उसका कोई नामो निशान नहीं छोड़ा है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है एक पार्क में बना हुआ है। मैं आप लोगों को थोड़ा पार्क का हिस्सा दिखा देता हूँ। आज के समय में इसको लोधी पार्क कहा जाता है और सुबह शाम लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, आसपास काफ़ी सारे घर बन गए हैं। और इसी के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो अपने उस इतिहास को और आगे बढ़ाएगा, वो उस तरफ है, वहाँ पर आपको लेके जाऊँगा और उसकी बाकी बातें आपको बताऊँगा। पीछे की तरफ आप लोग यहाँ पर जो सैनिकों की और बीच में काफ़ी बड़ी तोप देख पा रहे हैं, ये बाबर की सेना के हिस्से को दिखाया गया है। क्योंकि बाबर जो कि अफगान काबुल से भारत के अंदर आया था और तैमूर और चंगेज़ खान के वंशजों में से एक था, इसीलिए उसके पास में 1526 के समय में आधुनिक तरीके से लड़ने के हथियार भी उपलब्ध थे और बहुत कम सेना के अंदर अपनी चतुराई के साथ में इब्राहिम लोधी को उसने पराजित किया, जिसके लिए उसने मात्र 6 घंटे का समय लिया और इस तरीके लड़ाई की कि आगे की तरफ गड्ढे बनवा दिए। जब लोधी की सेना वहां पर आएगी तो पहले गड्ढों में गिरेगी और उसके बाद बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तोपों से गोले बारूद दागे गए, जो कि सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय में इब्राहिम लोधी की सेना को हराने में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो पाए। उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है, इस हिस्से को बनाया गया है। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक स्थल में हम लोगों ने काफ़ी सारे इतिहास की बातों को देखा है और समझा है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।